बाड़मेर जिला कलेक्टर व प्रभारी मंत्री ने लिया लूनी नदी का जायजा, अधिकारियों को मुस्तैद रहने के दिए निर्देश। बाड़मेर जिले की समदड़ी लूनी नदी का पानी अभी जेठिंतरी सरहद में पहुंचने की खबर आ रही है और समदड़ी सिवाना मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लूनी नदी का बहाव काफी तेज बताया जा रहा है। लूनी नदी में तेज पानी के तेज बहाव को देखते हुए अधिकारियों व मंत्रियों ने जायजा लेकर हिदायत दी। समदड़ी लूनी नदी तट पर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने हालातों का जायजा लेकर अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि लोग पानी के तेज बहाव में नहीं जाए और आपदा से निपटने के लिए हर समय अधिकारियों को तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में निपटने के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में कंट्रोल रूम में फोन कर बता सकते हैं। इस दौरान प्रभारी मंत्री सुरेंद्र गोयल, विधायक हमीर सिंह भायल, थानाधिकारी चंद्रवीर सिंह भाटी, तहसीलदार सुरेंद्र सिंह खगरौत, विकास अधिकारी अतुल सोलंकी, ठाकुर नटवर करण, उप सरपंच मोहनलाल सहित अधिकारी मौजूद थे। समदड़ी से पनावड़ा टीवी के लिए राजेश भाटी की रिपोर्ट। कई बरसात है ही नहीं, कई बरसात कम है, सिर्फ बाड़मेर के बुढ़ा दोरीमना समदड़ी या आपके क्या बोलते हैं इसको सिनंदरी जालोर और भीलमाल रानीवाड़ा आपके पाली और सिरोही इन जिलों में बरसात ज़्यादा हुई है। कहीं 200 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गई, कहीं 400 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गई, कहीं 700 मिलीमीटर तक हुई है। उस कारण इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं, हमें तो बहुत खुशी है और राज्य सरकार और पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि कहीं कैजुअल्टी नहीं हो, इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कहीं फंसा हुआ नहीं हो, इस बात का भी चिंतन कर रहे हैं कि कोई आदमी फंसा हुआ हो तो हेलीकॉप्टर से लाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं, और ज़बरदस्ती कोई जाकर के पानी में घुसता है उनसे मेरा आग्रह और निवेदन है कि आप लोग आम जन के लिए कि आप लोग पानी के अंदर नहीं घुसें, क्यों कब कितना पानी बढ़ सकता है। आज ये 2-3 कैजुअल्टी हुई वो पानी बढ़ने से हुई, कोई तालाब के अंदर नहाने से कैजुअल्टी हुई है, और इस प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं है। कोई नदी के अंदर आया और सो रहा हो या बैठा हो और आकर के बह गए हो, ऐसी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। और हम तो आप लोगों से सभी जनता से निवेदन करते हैं, इंद्रदेव मेहरबान ये अपने लिए वरदान है और बाड़मेर में बाढ़ आना ये अपना अपने बहुत बड़ी सौभाग्य है। आज अपन जानते हैं पीने के पानी के लिए कितनी परेशानी भोग रहे हैं और 500-500, 700-700 फुट पानी नीचे चला गया है। ये बरसात आने से, नदी आने से, नाले आने से, पानी का बहाव होने से जल स्तर ऊपर आएगा और आने वाले समय अपन सुखी होंगे। जैसे कि नदी में पानी आ रहा है लूनी में और पीछे सुखड़ी नदी का भी मेजर पानी इसमें आ रहा है, तो एहतियात के तौर पे जो नदी के किनारे गांव हैं या डूब क्षेत्र में जो पूर्व का अनुभव है उनको हम बाहर पहले से ही एडवांस में निकाल रहे हैं, और जहाँ जहाँ रपट में पानी चल रहा है तो वहाँ पे हमने पुलिस के और होमगार्ड के आदमी लगाए ताकि कोई नदी की रपट क्रॉस नहीं करे और जनहानि नहीं हो। तो कुल मिला के बात यह है कि लोगों को भी सतर्क रहना है एहतियात के तौर पे, और जहाँ पे रपट में पानी चल रहा है वहाँ नहीं चले, या तालाब में पानी इकट्ठा हुआ है तो कोई उसमें तैरने के लिए या नहाने के लिए नहीं जाए। और सर पीछे की क्या स्थिति, अभी और पानी बढ़ सकता है या? पानी बढ़ भी गया तो अभी हमारे पास इतनी क्षमता है इस नदी की कि 15 फीट तक भी अगर पानी चलता है तो यूजुअली कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 15 फीट के बाद अगर बढ़ता है तो दिक्कत आएगी, लेकिन जो कैचमेंट एरिया है उसमें अभी इतनी बारिश नहीं है इसलिए सिचुएशन उतना ख़राब नहीं होगा। जिस प्रकार से सर हमने सुना है कि निचले इलाकों को आपने लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए इस प्रकार का कोई आदेश जारी किया, तो कई जगह पे खाली करवाए हैं या नहीं या प्रशासन कुछ जगह पे कुछ जगह पे जैसे यहाँ पे तो ये स्थिति नहीं है, लेकिन जहाँ पे जैसे गुड़ा मलानी में और धोरीमना की तरफ ज़्यादा बारिश हो गई थी तो 4-5 घर जो थे उन घरों पर पानी पहुँच गया था, तो एडवांस में हमने उन लोगों को निकाल के स्कूल में पहुँचाया और उनको बाकी सारी व्यवस्थाओं का भी इंतज़ाम किया।